मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सुना पड़ा घर बार, मजबूरी में हम सब पटरियों पे कटते हैं, घर बार छोड़ के हम बैलों की जगह जुतते हैं। जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार, कुछ तो करो सरकार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, कुछ तो करो सरकार। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आज हमारे देश में मजदूर भाइयों की बहुत ही बड़ी दुर्दशा जो आप टीवी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देख रहे हैं, ये हम सब के लिए की बहुत ही दुखद बात है। देखिए, हमारी सरकार कदम उठा रही है, लेकिन जगह वंदे भारत मिशन चल रहे हैं, सेतु समुद्रम जैसे हमारे मिशन चल रहे हैं लोगों को घर वापसी के लिए विदेशों में बसे हुए। और हमारे देश में जो मजदूर भाई फंसे हुए हैं, इधर से उधर जाने के लिए आप देख रहे होंगे हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग पैदल निकले हुए हैं, पटरियों पे कट रहे हैं, कहीं बच्चे बैलों की जगह जोत दिए जाते हैं, पशुओं को भी साथ लेकर चल रहे, नन्हे नन्हे बच्चे मासूम अपनी जान गंवा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही त्रासदी और दुखनीय और निंदनीय और सोचने का विषय प्रिय विद्यार्थियों, कि इनके लिए भी ऐसा मिशन चला जाए कि अपने गंतव्य स्थान पर अच्छे से पहुंच जाएं। देखिए, मैं तो ये भी कहूंगा, जहां रुके हुए हैं घर सबको अच्छा लगता है, हम सब घरों में हैं, वो अपने घर से दूर हैं, वहीं पर उनको एडजस्ट किया जाए, उनको अच्छे से खाना पाना पीने और अच्छे से उनके मकान की व्यवस्था की जाए। नहीं तो फिर से इंडस्ट्री जब शुरू होगी तो उनको फिर से यहाँ आना पड़ेगा और काफी कष्ट उनको झेलना पड़ेगा। लेकिन जो लोग घर जाना चाहते हैं तो उनको विशेष सुविधा के तहत उनके घर भेजा जाए। तो ये हमारे सारे मिशन सही, वंदे भारत मिशन और सेतु समुद्रम सच्चे अर्थों में सफल सिद्ध होंगे। दूसरी बात, प्रिय विद्यार्थियों, हम आज प्रश्न करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। पहला करंट अफेयर यही था, हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने 22 मार्च को, जो 22 मार्च के बाद हिंदुस्तान में रेलवे ने अपनी सेवाएं बंद कर दी थी, अब फिर से स्टार्ट हो गए हैं 12 मई से। जी हाँ मेरे विद्यार्थियों, 12 मई से चुनिंदा जो रेलवे लाइन थी उनके ऊपर ट्रेन चलाई गई है, ताकि लोग अपने गंतव्य स्थान की ओर भेजे जाएं और लोग पहुंच रहे हैं काफी मात्रा में। तो भारत में रेलवे ने अपनी सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं 12 मई से। अब क्वेश्चन एक और बनता है कि हिंदुस्तान में जो रेलवे का इतिहास है वो काफी पुराना है। प्रिय विद्यार्थियों, 16 अप्रैल 1853 में हमारे यहाँ पहली ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में, जिसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। जी हाँ, ये हमारी ट्रेन की शुरुआत थी। तो कहीं आज हम बुलेट ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं, वो बुलेट ट्रेन चलेंगी जो आज कोरोना के बिल्कुल हॉटस्पॉट के अंदर है, मुंबई से लेके और अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन चलेगी। ये जापान का प्रोजेक्ट था, अभी आगे पूरा होगा, अभी इस समय शायद पूरा नहीं हो पाएगा। आज का हमारा दूसरा प्रश्न, सॉरी माफी चाहूंगा, तीसरा प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम पहले को प्रश्न मानेंगे तो। देखिए, भारतीय मौसम विभाग ने पहली बार किस क्षेत्र के मौसम का भी बुलेटिन जारी किया है। देखिए, हिंदुस्तान का बुलेटिन मौसम का तो जारी होता ही है, पहली बार हमारे भारतीय मौसम विभाग ने पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जी हाँ जो पाक अधिकृत कश्मीर है, उसका मौसम का हाल भी भारतीय मौसम विभाग ने जारी किया है, जिसमें गिलगित बलूचिस्तान और मुजफ्फराबाद, ये तीनों जो इलाके हैं जिसमें पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, हिंदुस्तान उसको अपना मान रहा है और अपना मान के वहां के मौसम का हाल भी हमने जारी किया है। और ये भी एक प्रश्न बनता है कि हमारे मौसम विभाग के महानिदेशक वर्तमान में कौन है, तो आपका आंसर रहेगा मृत्युंजय महापात्र। जी हाँ, मृत्युंजय महापात्र हमारे मौसम विभाग के महानिदेशक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, हाल ही में हिजबुल कमांडर, इसलिए करंट अफेयर में पढ़ा था कि हाल ही में हिजबुल कमांडर रियाज नायकू
किस ऑपरेशन के तहत मारा गया है, जो भारतीय सेना और जेएनके पुलिस ने ऑपरेशन चलाया है, तो उस ऑपरेशन का नाम क्या है? उसका राइट आंसर है प्रिय विद्यार्थियों, ऑपरेशन जैक बूट। जी हाँ, रियाज नाइक को मारा गया है किस ऑपरेशन में, तो उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन जैक बूट। अब हमारा अगला प्रश्न, इराक के प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बने हैं? मुस्तफा अल कादमी। जी हाँ, मुस्तफा अल कादमी इराक के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। इराक भी जो राजनीतिक अस्थिरता है उसका शिकार है प्रिय विद्यार्थियों। जैसा आप जानते होंगे कि आईएसआईएस, इस्लामिक स्टेट इराक एंड सीरिया, इसने इराक और बगदाद के पूरे क्षेत्र पर लगभग कब्जा कर लिया था। बड़ी मुश्किल से इसको मुक्त कराया गया है। हमारा आज का अगला प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों, आज का अगला प्रश्न है कि देश में पहली कोरोना मरीज जो संक्रमण थी, जिसको पॉजिटिव थी कोरोना की, कोविड-19 की, वो अब ठीक हो गई है। देश की पहली कोरोना मरीज जो संक्रमण से ठीक हो गई, उनका नाम है उषा राम मनोहर। जी हाँ, उषा राम मनोहर। अगला हमारा आज का प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मैं भी हूं डिजिटल नामक अभियान शुरू किया है? मैं भी हूं डिजिटल नामक अभियान, तो वो किस राज्य सरकार ने शुरू किया? आपका आंसर रहेगा केरला। देखिए, केरल काफी अभियान शुरू किया कर रहा है कोरोना घराने के लिए, और इन्होंने संक्रमण पे काफी प्रकार से काबू भी पा लिया। मेरे विद्यार्थियों, केरला में अब कोविड-19 का इतना संक्रमण नहीं है। ब्रेक द चेन, या कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए उन्होंने पहले भी एक अभियान चलाया था मेरे विद्यार्थियों, जिसका नाम था ब्रेक द चेन। अब पिछले जो जैकपॉट में हमने जो क्वेश्चन पूछे थे मेरे विद्यार्थियों, उनके विजेता का नाम बताने का सही समय आ गया है। उनके विजेता रहे, हमारा क्वेश्चन था कि भारत सरकार ने विदेशों में बसे भारतीयों बुलाने के लिए एयर के द्वारा कौन सा मिशन चलाया है, तो उसका नाम है प्रिय विद्यार्थियों वंदे मातरम मिशन। जी हाँ, वंदे भारत मिशन, सॉरी। तो ये मोस्टली लगभग 95% स्टूडेंट्स ने कमेंट्स डाला। ये बहुत ही खुशी की बात है कि आप सब ध्यान से पढ़ रहे हैं। और इनमें से हमने दो, पहले हम एक चुनते थे, दो स्टूडेंट्स को लक्की के द्वारा विजेता घोषित किया है। इनके नाम है, पहला जो विजेता है अजय कुमार शामली, उत्तर प्रदेश से विद्यार्थी अजय कुमार श्यामली उत्तर प्रदेश से। इनको इनका जो इनामी जैकपॉट है वो गूगल के द्वारा ऑनलाइन भेजा भेजा जा चुका है, मेरे विद्यार्थियों के पास पहुंच भी गया है। दूसरी जो विजेता रही है ये सुनीता है, सुनीता जैनाबाद दहिना से हैं। इन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब और सबसे पहले जवाब दिया है, काफी लगभग ने सही जवाब दिया था मेरे विद्यार्थियों, लेकिन हम पहले वाले छाटते या फिर लक्की ड्रा डालते हैं, उसके द्वारा आपके नाम अनाउंस किए जाते हैं। तो दोनों विजेता रहे हैं। एक और जो पिछला हमारा वीडियो था उसमें भी हमने क्वेश्चन डाला, जो ज्योग्राफी का वीडियो था, कि ओजोन लेयर जो है उसकी मोटाई किससे मापी जाती है, तो उसका कई विद्यार्थियों ने ओजोन की खोज किसने की, परत की, वो सब डाला, लेकिन सही आंसर है डॉब्सन। जी हाँ, डॉब्सन। और इसका सबसे पहले जवाब दिया है मेरे विद्यार्थी, उनका नाम है नीलम यादव। जी हाँ, नीलम यादव ने जैकपॉट जीता है। इनको तीनों विजेताओं को बहुत बहुत बधाई हो। मेरे विद्यार्थियों, अगला करंट अफेयर का हमारा प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ, जी हाँ FIH, इसके अध्यक्ष कौन बने रहेंगे? पहले भी थे, आगे भी बने रहेंगे। उनका सही नाम है, आंसर आपका नरेंद्र बत्रा। जी हाँ, जो भारत के हैं नरेंद्र बत्रा जी, वो FIH अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने रहेंगे। अब एक क्वेश्चन यहां से निकलता है कि हॉकी FIH का महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? उसका मुख्यालय है प्रिय विद्यार्थियों स्विट्जरलैंड में। जी हाँ, खूबसूरत घड़ियों का देश स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न, अच्छा एक प्रश्न और मेरे ध्यान आ गया, हालांकि है नेपोल जीके का, हमारे हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी के जादूगर कहा जाता है प्रिय विद्यार्थियों मेजर ध्यानचंद को। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने किस भारतीय अभिनेत्री को अपना गुडविल ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है? पहले भी क्या उसका कार्यकाल बढ़ा है। जी हाँ, UNEP ने किस भारतीय अभिनेत्री को अपना गुडविल ब्रांड एम्बेसडर बनाए रखा है? उसका नाम है दिया मिर्जा। जी हाँ, दिया मिर्जा जो बॉलीवुड की बहुत ही खूबसूरत और शानदार अभिनेत्री है प्रिय विद्यार्थियों।
अब प्रश्न बनता है, दिया मिर्जा इससे पहले मिस एशिया पैसिफिक भी रही है, अब एक प्रश्न और बनता है यूएनईपी का हेड ऑफिस कहाँ है, तो इसका हेड ऑफिस है प्रिय विद्यार्थियों नैरोबी, और नैरोबी किसकी राजधानी है, केन्या, अफ्रीका के अंदर देश है केन्या, उसकी राजधानी है नैरोबी, और नैरोबी में हेड ऑफिस है यूएनईपी का। अब हमारा आज का अगला प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों करंट का, हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भारत में कब मनाया गया, तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया 11 मई को, जी हाँ राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया गया। इसमें एक बात और जुड़ती है प्रिय विद्यार्थियों, देखिए 11 मई को हमने परमाणु परीक्षण भी किया था, 11 और 13 मई को याद कीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण के अंदर 1998 में प्रिय विद्यार्थियों हमने दूसरा परमाणु परीक्षण किया था, तो ये भी प्रौद्योगिकी दिवस से जुड़ा हुआ प्रश्न है। और इससे पहले इसका नाम क्या था, कई बार इसका कोड नेम पूछते हैं, इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति, और इससे पहले जो परमाणु परीक्षण किया था हमने इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल के दौरान, उसका नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा मुस्कुराते हुए बुद्ध, जो 1974 में किया गया था और ये 1998 में किया गया था। आज का हमारा अगला प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों कि विदेशों में बसे, देखिए एयरका तो हमने बता दिया था पिछले वीडियो में, विदेशों में बसे भारतीयों को लाने के लिए भारतीय नेवी ने कौन सा ऑपरेशन चलाया हुआ है, तो उसका नाम है समुन्दर सेतु, जी हां प्रिय विद्यार्थियों समुन्दर सेतु। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में भारत के किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर फैला हुआ है, अफ्रीकी स्वाइन फीवर, तो उस राज्य का नाम है असम। देखिए अफ्रीकी स्वाइन फीवर जो रोग है इसमें सुअर मरते हैं, तो बहुत सारे लगभग 500 से ज्यादा सुअरों की मौत हो गई है असम राज्य के अंदर, और असम में आप जानते हैं वहां के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, और असम तेल का गढ़ है क्योंकि हिंदुस्तान का पहला तेल सफल तेल को अभी वहीं खोदा गया था, आज बॉम्बे हाई में तेल उत्पादन ज्यादा है, वो एक अलग मैटर है प्रिय विद्यार्थी। इसके अगला हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने श्रम कानूनों को निलंबित कर दिया है, श्रम श्रम यानी लेबर, तो लेबर कानूनों को किस राज्य ने निलंबित कर दिया है, उस राज्य का नाम है प्रिय विद्यार्थियों उत्तर प्रदेश, जी हाँ उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ वहां के जो मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि मजदूरों से संबंधित जो कानून थे उनमें बदलाव किया जाएगा ताकि मजदूरों की स्थिति अच्छी हो और वहां पर उनमें कोई भूखा ना रहे, कई तरह के कानून बदलाव के लिए, बहुत ही अच्छी बात है जिसका हम जिक्र पहले भी कर दिया है, वरना इस देश के मजदूर गुस्से में आए ना तो उसमें यह डायलॉग तो नहीं होगा प्रिय विद्यार्थियों, जो फिल्म का डायलॉग था कि मजदूर कातिया, तो इस तरह का डायलॉग भी हिंदुस्तान के मजदूर अगर पीड़ित होंगे तो बोलेंगे। इसके बाद नया प्रश्न हमारा अगला प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों, हाल ही में किस देश ने शहरों की बजाय गांव में इंटरनेट के उपभोक्ता बढ़ गए हैं, तो उसका आपका उत्तर आएगा भारत, जी हाँ पहली बार ऐसा हुआ प्रिय विद्यार्थियों कि शहरों की बजाय हमारे ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट उपभोक्ता बढ़ गए हैं, और ये डिजिटल भारत का जो सपना है हिंदुस्तान की सरकार का उसको आगे बढ़ाने में बहुत ही मददगार साबित होगा, लेकिन स्पीड अब भी मेरे विद्यार्थियों बहुत ही नॉर्मल आती है। सरकार को चाहिए, हमारे देश की सरकार को, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री को, कि गांव को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाए, डिजिटल ब्रॉडबैंड, और वहां की स्पीड बढ़ाई जाए। अब हमारा आज का अगला प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, जी हाँ वर्ल्ड रेड क्रॉस डे अभी मनाया गया 8 मई को, आप अच्छे से जानते हैं मेरे विद्यार्थियों, और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया, ये भी क्वेश्चन बनता है 9 मई को, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 9 मई को, रेड क्रॉस दिवस प्रिय विद्यार्थियों 8 मई को। आज का हमारा अगला कर्ण का प्रश्न, हाल ही में कोकिंग कोयला समझौता भारत और किस देश के मध्य हुआ है, कुकिंग कोयला समझौता, तो ये भारत और रूस के मध्य हुआ है कुकिंग कोयला। देखिए भारत में कोयला मिलता है लेकिन ये जो वैरायटी वाला कोयला है ये हम रूस से आयात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों। कोयला आप अच्छे से जानते हैं 4 प्रकार का होता है, लिग्नाइट, बिटुमिन, पीट, एंथ्रासाइट, 4 किस्म का कोयला होता है। इसमें एक बताते हैं किस्म का कोयला था, मजाक की वजह से बता रहा हूँ, कोयला एक मूवी भी आई थी हिंदुस्तान में, और वो कोयला मूवी में अमरीश पुरी ने शाहरुख खान के गले में कोयला रख दिया था,
तो हमारे यहाँ चार प्रकार का कोयला होता है। प्रिय विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों आज का हमारा जैकपॉट का सवाल है, ये क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने लाख करोड़ रुपए का पैकेज देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने लाख करोड़ रुपए का पैकेज भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिया है? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिएगा। आज का हमारा अगला करंट अफेयर का प्रश्न है, प्रिय विद्यार्थियों हाल ही में विश्व नर्सिंग डे यानी विश्व नर्स दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व नर्स दिवस मनाया गया प्रिय विद्यार्थियों 12 मई को। जी हाँ, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इसको दुनिया की पहली नर्स कहा जाता है प्रिय विद्यार्थियों। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये दुनिया की पहली नर्स मानी जाती है और इन्हीं के ही नाम पे, इन्हीं से जुड़ा हुआ ये दुनिया में विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है 12 मई को। और कोरोना के प्रकोप में नर्सें बहुत ही अधिक सेवा भाव से लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनको कोविड-19 के प्रकोप से बचाने में सहायता कर रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न आज का, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की कितने प्रतिशत जीडीपी के लगभग उन्होंने राहत पैकेज दिया है देश को? 10%। जी हाँ, 10% जीडीपी के लगभग उन्होंने राहत पैकेज दिया है प्रिय विद्यार्थियों देशवासियों को। ये 20 लाख करोड़ का पैकेज है। जी हाँ, 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज नरेंद्र मोदी ने, भारत सरकार ने हिंदुस्तान को दिया है। तो प्रिय विद्यार्थियों ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। ये आपको कैसा लगा? ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट डालें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।